Hey guys, welcome back to the channel. हम just Busan पहुंचे हैं. I hope आपने last video देखा होगा हमारे KTX journey का, one of the fastest train in the world. नहीं देखा है तो अब भी जाकर देखिए, उसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा. बहुत different kind of experience था. So मैं अभी quickly आपको हमारे इस room का tour दे देती हूँ और इसी के साथ हम इस vlog में explore करने वाले यहाँ का city center का area. So guys, ये हमारा छोटा सा room. डबल बेड है यहाँ पे, एक टेबल दिया है उन्होंने, चेयर है, लैम्प है रीड करने के लिए रात को. यहाँ पे टीवी दिया है, वो बहुत डिफरेंट एंगल में दिया है, पता नहीं ऐसे क्यों है, बट यहाँ पे है टीवी. नीचे सारा कॉफ़ी और चाय का सामान है. यहाँ पर रेफ्रिजरेटर है. ये है बड़ा सा डेस्क रेडी होने के लिए, मिरर. यहाँ पे स्पेस है जहाँ पे अभी फ़िलहाल हमने लगेज रखा है. ये है हमारा कबर्ड एरिया. और यहाँ के वॉशरूम में जेट स्प्रे नहीं है, सो ये मुझे नहीं अच्छा लगा बिल्कुल भी. सबसे बेस्ट पार्ट है ये लोकेशन यहाँ का, ये पूरा स्ट्रीट यहाँ से दिख रहा है हमें. सो इस होटल का बेस्ट पार्ट है यहाँ का लोकेशन. सब कुछ बहुत ज़्यादा पास में है, सारी मेन चीज़ें, बीच भी इनफैक्ट बहुत पास में है, एक्वेरियम पास में है. प्लस कॉस्टिंग वाइज बहुत अच्छा है, मतलब लोकेशन वगैरह को अगर ध्यान में रख के हमने देखा तो हमारा रफली समवेयर अराउंड 18,000 हुआ है 3 nights का, जो कि साउथ कोरिया के हिसाब से बहुत बजट में है. कंपेयर अगर आप सोल से करोगे तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है. रूम थोड़ा सा छोटा है बट नीट एंड क्लीन है, सो उसके लिए थम्स अप. सो हमारे इस होटल का नाम है बेस्ट वेस्टर्न होटल. बट इसके अलावा यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी होटल्स है जहाँ से आपको बीच का, मतलब समंदर का इन्फिनिटी व्यू देखने मिलता है, वॉशरूम से भी और रूम से भी. सो ऐसे डिफरेंट कैटेगरी ऑफ होटल्स हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं जो आपको हमारे ट्रैवल गाइड में देखने मिलेंगे बजट के अकॉर्डिंगली. सो अगर आप प्लान कर रहे हो साउथ कोरिया के लिए तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड कर सकते हो. अभी लेट्स गो, स्ट्रीट को एक्सप्लोर करते हैं और थोड़ा सा भूख भी लगा है तो खाते हैं कुछ. यहाँ पे नीचे 7-Eleven है. ये स्ट्रीट का नाम है गुनम रो स्ट्रीट और यहाँ पे काफ़ी कुछ है, जैसे आप शॉपिंग कर सकते हो, कुछ छोटे मोटे एक्टिविटीज़ है करने के लिए बच्चों के लिए, और काफ़ी रेस्टोरेंट्स भी है जहाँ पे आप बैठ के खा सकते हो आराम से. और यहाँ पे रोड है बट मेन तो उनका ये है कि बीच में उन्होंने एक ऐसा बड़ा सा फुटपाथ रखा है जो आपको सबवे स्टेशन से लेके ऑलमोस्ट बीच तक लेके जाता है. और ये सामने ही बीच है और यहाँ पे एक्वेरियम भी है. ऑलिव यंग तो यहाँ पे ऐसा है ना, जैसे मेडिकल स्टोर है वैसे. हाँ. इतने सारे ऑलिव यंग है. वो स्पोर्ट देख, मैक्लेरन. वो टर्न मारा था तो मैंने दूसरे साइड से भी देख लिया है. ऐसा स्पोर्ट्स कार आता है तो मुझे देखना ही रहता है. चलो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे चला बोशिम इसमिता여러분의 불꽃과 같은 박수와 함성하기 시작하겠습니다. 박수와 함성. नहीं समझा बट उसका आवाज बहुत अच्छा है. काफी अच्छा है. सब ऐसे सब लोग एकदम इन्वॉल्व होके एंजॉय कर रहे थे उसका सिंगिंग. बच्चे लोगों से लेके एजेड लोग सब लोग थे, तो आई गेस ऐसा कोई क्लासिक सॉन्ग रहेगा. हाँ. और ये जो एरिया है ना, यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ है. कॉफी शॉप्स भी बहुत ज्यादा है, बैस्किन्स एंड रॉबिन्स का, और आइसक्रीम शॉप्स भी बहुत ज्यादा है. बर्गर किंग है, मैकडोनल्ड्स है, इंडियन रेस्टोरेंट भी है बॉम्बे. हाँ, बॉम्बे ब्राउन. हाँ, इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे. बस हम लोग के होटल के कुछ 50-100 meters के डिस्टेंस पे ही है वो वाला. और ये भी कुछ इन्होंने बीच में ऐसा डेकोरेशन डाला है. सो अभी हम लोग जस्ट सी लाइफ एक्वेरियम जो है बुसान का वहाँ पे जाके आए, बट उसका जो टाइमिंग है
वो 7 बजे तक ही रहता है और संडे को 8 बजे तक रहता है। अभी 7:30 हुआ है बट उन लोगों ने बोला कि नहीं अभी वो लोग टिकट नहीं देंगे। ये साइड में बीच और वहाँ से एग्जिट लिया हम लोगों ने। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सिंगर्स बहुत है ना, यहाँ पे भी एक है अभी, काफ़ी सारे लोग अपने फैमिलीज़ के साथ आए हैं और कोई कोई लोग तो प्रॉपर यहाँ पे वॉक करने को आ रहे हैं इवनिंग का। सो ये जो है ये है बुसान का वाइट सैंड बीच और अपने विंडो से भी थोड़ा बहुत दिखता है ये। जा रहा है पोर्श। हाँ यहाँ पे बहुत रिच लोग रहते हैं लगता है। ये वाला सबसे पॉपुलर सिंगर लग रहा है यहाँ पे का, सबसे ज्यादा रश यही पे। हम लोगों ने सबसे पहले जो आपको दिखा है ना वो यही वाला था। कितने सारे लोग हैं यहाँ पे? ये फूड लेने जैसे अपन ने म्यांगडोंग में वगैरह सब ट्राई किया हुआ। ये ईल वगैरह कुछ बोलते हैं ना इसको। सो हम लोगों ने सोल में फिश ज़्यादा नहीं देखा, मतलब ऑयस्टर और ऑक्टोपस वो सारा था, बट यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम फिश वगैरह भी देख रहा हूँ। ये क्रैब क्या है इतना बड़ा? जाते ना थोड़ा आगे तक, नहीं अजीब लग रहा है। किंजल म्यांगडोंग में अपने को सी फूड का कोई स्मेल नहीं आ रहा था, बट यहाँ पे अरर किंजल एक्चुअली नॉनवेज खाती ही नहीं, मतलब चिकन भी एकदम थोड़ा बहुत खाती होगी मेरे वजह से। खाना पड़ा तो खाती है। जैसे यहाँ पे उसको कुछ नहीं मिल रहा है तो वो चिकन बर्गर खा रही है, बट यहाँ पे हाँ सी फूड का बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है ये वाले स्ट्रीट में। बाहर वाला स्ट्रीट है उधर कुछ नहीं, उधर सब सॉर्टेड है, यहाँ पे थोड़ा स्मेल आ रहा है। ठीक है जाते बाहर, चलो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो लोग फिश नहीं खाता ना वो लोग नहीं सहन कर पाए। सिंस बुसान कोस्टल सिटी है तो यहाँ पर सी फूड बहुत ज़्यादा मिलता है। वैसे सोल में भी मिल रहा था बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैरायटीज है देखने को मिल रही है। और ये जो पूरा लेन है वहाँ पे मोस्टली सारा सी फूड का चीज़ें है। अभी जो आपको पीछे म्यूजिक सुनाई दे रहा है, यहाँ पे फाउंटेन शो हो रहा था, लाइट एंड साउंड शो, और बहुत मज़ा आया देखने के लिए उसको। ऐसा वो कैसा फील आ रहा है पता है क्या? वो हम मेले में जाते हैं ना, ऐसे कार्निवल कुछ होता है, काइंड ऑफ ऐसा फीलिंग है। किंजल को ये वाले वेंडिंग मशीन में जाना है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। हाँ मस्त लग रहा है, कलर इतना डिफरेंट लगा कि वहाँ पे सब लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। नियॉन साइंस है, नियॉन साइंस है। चलो यंग लग रहा है सडनली बहुत ज्यादा। ये ना इसे ग्रैब करने वाला है और इसमें जीतने का चांसेस बहुत कम है, तो ऊपर जाकर देखते हैं। तीन फ्लोर का आर्केड है। ट्राई करूँ क्या? सो अभी हम लोग आए हाई एशिया में, यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तानी फूड मिलता है। तो किंजल पिछले 2 दिन से बर्गर ही खा रही थी, उसने अभी मंगाया दाल और जीरा राइस। मैंने उसको ऑप्शन दिया तो बोलती है दाल और जीरा राइस मंगा। दाल और राइस में जो कंफर्ट है ना, 2 दिन अच्छा लगता है बाहर का खाना, फिर घर का दाल राइस ही याद आने लगता है, कोई भी इंडियन हो उस सबको, स्पेशली जो वेजिटेरियन है उसको। रेडी खाने के लिए? काफी टाइम के बाद। अचार बहुत अच्छा था,
और मतलब दाल राइस खा के जो ऐसा लगता है खाना खाया, आज नींद अच्छे से आएगा, आज अच्छे से नींद आएगा। पूरा उसने प्लेट साफ करके खाया। तो अगर आप ये एरिया में रह रहे हो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2-3 इंडियन रेस्टोरेंट्स है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इधर का जो हम लोग का बिल है वो भी हम लोग का कुछ 1200 रुपये है, 1100 के आसपास है। हम लोग ने दाल राइस ही मंगाया, इधर के हिसाब से नॉर्मल कॉस्ट है, अपने इंडिया के हिसाब से ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है, बट फिर भी अगर आप बाकी रेस्टोरेंट्स में जाओगे तो इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगा। वो अभी हम लोग 7-Eleven में आए क्योंकि होटल में इतने छोटे बॉटल देते, हम लोग सोच रहे कि 2 लीटर का एक बड़ा बॉटल उठा लेते है ना। हाँ ले ले, 1950। हाँ, और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये ले लूँ एक बनाना मिल्क है ना, ग्रीन वाला ट्राई करते। और ये ऐसे कॉफीज भी है यहाँ पे सारे। सो गाइस हम लोग रूम पे वापस आ गए, किंजल एक्चुअली नीचे गई है चेक करने के लिए कि यहाँ पे लॉन्ड्री अवेलेबल है कि नहीं, अगर रहेगा तो हम लोग आपको नेक्स्ट व्लॉग में अपडेट दे ही देंगे। अभी कल से हम लोग प्रॉपर बुसान एक्सप्लोर करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय गाइज।